तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, तो आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि लाइव स्टॉक के इस पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को रिस्क लेकर करने के बावजूद भी एक नए पोल्ट्री फार्मर को कितना मुनाफा हो सकता है, या फिर मुनाफा होता भी है या फिर नहीं होता है। नए पोल्ट्री फार्मर को इतनी ज़्यादा रिस्क लेकर पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से पहले एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, लाल कलर के बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर बात करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, पोल्ट्री का व्यवसाय रिस्क से भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि तो ये लाइफ स्टॉक का बिजनेस है। लाइफ स्टॉक में जैसे आपने 2000 मुर्गियां पाली, आपकी 1 किलो 1.25 किलो की मुर्गियां हो गई, एक मुर्गी के पीछे 1 किलो 1.25 किलो का होने के लिए लगभग 170 से लेकर 200 रुपये का खर्चा आता है। 2000 मुर्गियों के आपके 4 लाख 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसे में बर्ड फ्लू जैसी बीमारी आ गई, कोरोना जैसी बीमारी आ गई, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन उन मुर्गियों को हो गया, गंबोर का डिसीज हो गया, रानीखेत का डिसीज हो गया, तो आपके पूरे के पूरे 4 लाख 5 लाख रुपए चौपट हो जाएंगे, क्योंकि इन जैसी बीमारियों में 100% तक के मोर्टैलिटी कई बार देखी गई है। इसके बावजूद भी क्या होता है ना, इसमें रिस्क है, चैलेंजेस है, इसीलिए पोल्ट्री में पैसा कमाना आसान है, क्योंकि बिना सब्र रखे इस व्यवसाय को करने वाले आपके 90% जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वैसे भी फेल होने वाले हैं। इसीलिए कॉम्पिटिशन कम है और आप पैसा कमा सकते हो, समझ पा रहे हो? मैंने बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री फार्मर देखे हैं और मैंने कई बार मेरे ये वीडियोज में बताया हुआ है कि ये जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री जितनी भी चल रही है ना, वो पुराने पोल्ट्री फार्मर्स के भरोसे नहीं चल रही है, वो नए पोल्ट्री फार्मर्स के भरोसे ही चल रही है। चाहे फिर पोल्ट्री फार्मिंग में आप अंडा उत्पादन के लिए काम करो, या फिर मीट उत्पादन के लिए काम करो, या फिर चिक्स इंडस्ट्री में आप काम करो, ठीक है। ज़्यादातर जो पुराने पोल्ट्री फार्मर्स आपको देखने मिलेंगे, 100 पोल्ट्री फार्मर की अगर मैं बात करता हूँ तो पुराने पोल्ट्री फार्मर हर बार आपको 30% ही देखने पड़ेंगे मिलेंगे, और जो 70% जो फार्मर्स होते हैं वो नए होते हैं। यानी कि ये बात आप 2010 में उठा कर देखो, 2020 में उठा कर देखो, 2050 में उठा कर देखो, ये जो रेशो मैंने आपको अभी बताया आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है कि 70% फार्मर जो होते हैं ना कॉम्पिटिशन से निकल जाते हैं और उनके रिप्लेसमेंट में 70% नए फार्मर्स आ जाते हैं और 30% जो फार्मर होते हैं वो पुराने टिके रहते हैं। तो रिस्की होने के वजह से है ना, इसमें रिस्क तो है, प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, लेकिन क्या होता है कॉम्पिटिशन कम हो जाती है और जो बचे हुए 30% जो फार्मर है वही एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं जो पुराने फार्मर हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म में काम करना है, किस तरीके से मुर्गियों की मोर्टेलिटी को रोकना है, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना है। उन्होंने ये सब चीज़ें सीख ली है, मार्केटिंग सीख लिया है, अच्छा रेट अपने मुर्गियों को कैसे मिलना है, मार्केट में अच्छा रेट में कैसे बेच सकते हैं, इन सभी चीज़ों को उन लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। इसी के वजह से मैं कहता हूँ कि रिस्क होने के बावजूद भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। देखिए, ये मुर्गी एक ऐसी चीज़ होती है जो कचरा खाकर भी उसका वजन बढ़ाएगी, कचरा खाकर भी मुर्गी आपको अंडा देगी। कचरा मीन्स जो लो कॉस्ट फीड होता है, मार्केट वेस्ट होता है, होटल वेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी जो भी उनका फीड होता है वो लो कॉस्ट का फीड कहीं से अरेंजमेंट करके लाते हो, कुछ चावल, गेहूं, मक्का, बहुत ही लो क्वालिटी का जो हम ह्यूमन नहीं खा सकते, लेकिन मुर्गियाँ बड़ी आसानी से खा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम पैसों में या फिर लो कॉस्ट फीड से भी आप पैसा बना सकते हो मुर्गियों के बिजनेस में, लेकिन ये सहूलियत आपको किसी और बिजनेस में ना के बराबर देखने मिलती है, समझ पा रहे हो? तो इसी के वजह से ये रिस्क से भरा तो बिजनेस है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी, अगर आप मेहनत करते हो तो पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से बनेगी, समझ पा रहे हो? एक तरीके से कहा जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग का ये जो बिजनेस होता है, ये कचरा लेकर पैसा देने वाले मशीन की तरह काम करता है, और ये बात जानने वाले फार्मर बहुत ही इंडस्ट्री में कम है। इसीलिए अगर आप एक्सपीरियंस के बलबूते पर 2-3 साल में इस चीज़ को सीख लेते हो
तो आप कभी भी पोल्ट्री फार्म को बिजनेस नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको एक क्लियर कट विजन मिल जाएगा कि भैया ये वाला जो बिजनेस तो है ये कचरा लेकर पैसा देने वाला बिजनेस है। और जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया उन्होंने पैसा बना लिया, ठीक है। तो इसी कारण जो मैंने अभी आपको बात बताई कि रिक्स है, लेकिन कचरा से लेकर या फिर लोकल फीड देकर, ठीक है, अगर आप पैसा बनाना सीख लेते हो तो इसमें पैसा कमाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी बात कर रहे थे रिक्स के ऊपर में, रिक्स वही है दोस्तों, क्योंकि आप जब नए नए पोल्ट्री फार्मर होते हो तो बस आप प्रॉफिट पर फोकस करते हो, ठीक है, बाकी मैनेजमेंट की जितनी भी चीज़ें होती है उस पर आपका ध्यान हट जाता है। आपको बाकी के जो लीटर मैनेजमेंट होता है, टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट होता है, ये सभी चीज़ें के बहुत आसान होती है। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना होता है वो वैक्सीन मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। वैक्सीन मुर्गियों को वक्त पे लगाना, मुर्गियों को दवा या प्रिवेंटिव मेडिसिन वक्त पर देना, किसी प्रकार की डिसीज होने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से उस डिसीज पर काम करने वाली ट्रीटमेंट मेडिसिन देना, सही मात्रा में देना, और 5 से लेकर 6 दिनों के भीतर ही मुर्गियों की तबीयत को रिकवरी कर लेना, है ना। ये बातों को अगर आप सीख लेते हो ना तो 101% आप रिस्क होने के बावजूद भी अपने पोल्ट्री फार्मिंग से पैसा कमा लेते हो। तो यही कुछ बातें आपको बतानी थी, खासतौर पर नए पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। तो आई होप आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके का पोल्ट्री का एक नया वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।